18वीं लोकसभा चुनाव के अंतर्गत शनिवार को बिहार में सातवें और अंतिम चरण के मतदान में पटना साहिब और पाटलिपुत्र सहित 8 संसदीय क्षेत्र पर वोट डाले जाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि पटना साहिब और पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ ताल्डेकर, सीएम नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार, साथ ही साथ कई दिग्गज नेता अपने मत का प्रयोग करने पहुंचेंगे। बिहार के राज्यपाल और सीएम पटना के वीआईपी बूथ राजभवन के मतदान केंद्र पर मतदान करेंगे। वहीं इस बूथ पर चुनाव को लेकर कन्या मध्य विद्यालय राजभवन को पूरी तरह तैयार कर लिया गया है। राज्यपाल और सीएम यहां मतदान करेंगे। गर्मी को देखते हुए बूथ पर शेड और पंखे की भी व्यवस्था की गई है। वहीं पटना में अन्य जगहों पर भी आदर्श बूथ बनाए गए हैं। मालूम हो कि इस बार वोटिंग प्रतिशत कम आकी गई है, ऐसे में पटना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। वहीं दूसरी ओर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने मत का प्रयोग करने के लिए पटना स्थित वेटनरी कॉलेज में पहुंचेंगी, जहां पर वो मतदान करेंगे। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वीआईपी बूथ बनाया गया है। इस मतदान केंद्र पर लालू अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। ये इलाका पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत दीघा विधानसभा में आता है। बता दें कि पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से लालू प्रसाद यादव की बेटी मिशा भारती राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। मिशा भारती के सामने रामकृपाल यादव हैं। तीसरी बार दोनों चाचा भतीजी आमने सामने हैं। पहले दो चुनावी में मिशा भारती को हार का सामना करना पड़ा है। इस बार देखना होगा कि आखिर जीत किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।